मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे चंडीगढ़ में भाजपा के एक कार्यकर्ता को और उसको मौका देकर चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने का एक जो मौका दिया है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि 400 सीटों में सबसे पहली सीट हम चंडीगढ़ की सीट उनकी झोली में डालेंगे और चंडीगढ़ के जो कार्य जो हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी बहन किरण खेर जी ने काम किया, वहाँ से शुरू करते हुए हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चंडीगढ़ के जो हैं मुद्दे तो कई हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि जो चंडीगढ़ के लोगों को एक ये लगता है कि जो जैसे मोहाली में जल्दी से डिसीजन हो जाता है, जैसे पंचकुला में हो जाता है, तो चंडीगढ़ में कई बार वो डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा देर से होते हैं। मैं वो जो समय है जिसको उसको कम करने का प्रयास करूंगा, केंद्र सरकार के साथ बैठ के उन चीज़ों को जो वहाँ पे लंबित हैं उनको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करूँगा। इंडिया अलायंस के साथ है, एमसी इलेक्शन में भी हमने देखा है कि किस तरीके से काफ़ी समय इलेक्शन लटके रहे, फिर कोर्ट का भी रुख करना पड़ा। देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो एक ऐसी घमंडिया अलायंस है जिन्होंने इस ढंग से वो इकट्ठे हुए हैं, अनहोली अलायंस है, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं पे चुनाव लड़ते हैं, कहीं पे वो हाथ मिलाते हैं। आम जन ये चीज़ समझ सकता है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो एक जो केंद्र में जो सरकार जो बनती है, चंडीगढ़ के लोग उसके साथ अलाइन होना चाहते हैं। और चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये बात सबके सामने है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोग एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जी हाँ, दी है जी, हो गई बात। सर, बीजेपी ने नारा लगाया 400, इस बार 400 के पार क्या कहना चाहते हैं? 400 पार में मैंने बोला कि सबसे पहली सीट हम चंडीगढ़ की उसमें देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, और प्रभु का धन्यवाद कि आज ये दिन आया, और सभी पार्टी के लीडर्स, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सबका धन्यवाद कि उन्होंने संजय जी को इस काबिल समझा। कितनी उम्मीद लग रही थी मैडम पहले, जैसे कहते हैं फिल्म स्टार को किसी न किसी को दी जाती है, टिकट पहले भी दी गई? अब ऐसे तो कई तरह की बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि भगवान से हमारी प्रार्थना थी, अब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली बेटा। ये ठीक है मैम, थैंक यू।